हेलो दोस्तों, मैं नितेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए विषय पर नए सोच के साथ आपको जो गंभीर रूप से सोचने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए आपको उत्सुक करेगा। हमारे इस टॉपिक को जानने के बाद आपको संसार का अजीब गरीब रहस्य को सोचने के लिए आपका शरीर आपको प्रेरित करेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी अर्थात ऊर्जा से रिलेटेड है। दोस्तों आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी अर्थात ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों इसका एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट कैलोरी है। दोस्तों ऊर्जा हमारे लिए एक बेसिक जरूरत और इसका इम्पोर्टेंट हमारे इस संसार को चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। दोस्तों एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, बस हम इसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल। इसका साधारण सा एग्जाम्पल हमारे घरों में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों जब इलेक्ट्रिक बल्ब में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वह हमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी देता है। दोस्तों आपके आसपास की सारी चीज़ें एनर्जी से ही चलती हुई नज़र आती हैं। दोस्तों एनर्जी का कई फॉर्म होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। दोस्तों आप समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसमें एनर्जी के कारण ही ऐसा होता है। दोस्तों आप खाने की चीज़ों पर लिखा हुआ जरूर ही देखते होंगे कि इसमें कितना कैलोरी है। इसका मतलब यह हुआ कि हम खाने में भी एनर्जी का यूज करते हैं। जब आप टहलते हो, खेलते हो और जब आप पढ़ते हो, तब भी आपके शरीर में एनर्जी के फॉर्म में चेंजिंग होती रहती है। दोस्तों आज के लाइफ में बैटरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों यह हमारे मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी पाया जाता है। दोस्तों बैटरी में एक प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर चल पाता है, जिसके कारण हम अलग अलग वीडियो या शो देख पाते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार है, हमारी दुनिया है, वह एनर्जी से ही बनी हुई है। हमारे आसपास जो भी कुछ है वह एनर्जी के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों आप लोग सभी तो मोबाइल फोन का यूज तो जरूर ही करते होंगे। दोस्तों उसमें जो रेडियो वेव का आदान प्रदान होता है वह भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। दोस्तों हमारा यह ब्रह्मांड पूरी तरह से एनर्जी से बना हुआ है। अब हम इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि एनर्जी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है या नहीं। दोस्तों आज हमारे समाज में 5G आने वाली है, जिसमें कि सिग्नल का फ्रिक्वेंसी 5 GHz तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वह एनर्जी की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाएगी कि वह एक वर्ड को, ब्रेन को डैमेज करने के लिए काफ़ी हो। इस बात से हमें पता चलता है कि एनर्जी का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है और एनर्जी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हमें सोच समझकर उठानी चाहिए। अगर मामला 5G और इंसानों के दुष्परिणाम से रिलेटेड हो, दोस्तों हमने तो अब एनर्जी को फिजिक्स के फार्मूले से लेकर 5G तक के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जान लिया। तो दोस्तों अब हम एनर्जी के विभिन्न रूपों को अलग अलग करके उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारे इस संसार में, दुनिया में बहुत सारे एनर्जी का फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोलकुलर एनर्जी, प्लाज्मा एनर्जी और न जाने कितने और एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे इस संसार को चलाने के साथ साथ इस दुनिया को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। दोस्तों किसी भी मौसम में, किसी भी जगह पर एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। दोस्तों हमारे शरीर में मस्कुलर एनर्जी मौजूद होती है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थायी होती है। दोस्तों जब भी हम कोई भी काम करते हैं तब इस एनर्जी का उत्सर्जन होता है। दोस्तों जब हम लोग दौड़ते हैं तब हमारे शरीर में मांसपेशियों में मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों अगर आप किसी भी वस्तु को अनुमान लगाकर उसके एनर्जी का आकलन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महान साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण का यूज करना होगा। दोस्तों आप इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी पदार्थ के एनर्जी मूल्यांकन आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।